हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती ऑफिशियल नालंदा में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सब कैसे आई हो कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। साउंड कम करो ना थोड़ा सा। तो फ्रेंड, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए हुई थी रेडी। तो सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लॉन्ग वीडियो बना लिया जाए और मैं हुई तैयार। तो आप देखिए कैसी लग रही हूँ, बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। कौन है मेरे बाथरूम में? ये क्या है? I see you. साउंड कम करो ना। तो फ्रेंड, आप सब मेरे मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके देखिएगा कि कैसा बनाया है। और मैं तो वीडियो बनाना बंद कर दी थी, बट फिर से स्टार्ट की। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए प्लीज़, और प्लीज़ कि आप हेल्प करेंगे मेरे, जिस तरह से आपने पीछे तक किया था। ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या देख रही है कार्टून, और अर्पित भी आ गया पढ़ के। इधर आ अर्पित, अर्पित में देखिए अर्पित अब स्कूल जाता है और अभी स्कूल से आ रहा है। और ये कह रहा है शायद इसके स्कूल में 15 अगस्त को लेकर कुछ प्रोग्राम प्रदर्शन पीटी वगैरह होते हैं, तो ये कह रहा था कि आज झंडा पूजा है और नहीं हुआ तो मुझे आके गुस्सा कर रहा है। तो मैं थोड़े ना सर हूँ। सर क्या बोले? हेलो, इधर देखो कैमरा की तरफ, क्या बोले सर? कुछ झंडा पूजा नहीं हुआ? बिट्टू ये लड़का, झंडा पूजा नहीं हुआ? काहे नहीं हुआ? तुम तो कह रहा था क्या झंडा पूजा। कह रहा है कि तुम झंडवा लेके जाती बोलता ना, हम जाएंगे झंडा लेके। कि उस जिस दिन झंडा पूजा रहेगा ना बिट्टू, उस दिन सर खुद झंडा को पूजा करेंगे। एक बार हम लोग किए थे ना ठंडा के दिन में 15 अगस्त में छत्ता पे अपना, फिर से मम्मी करेगी। आप आइएगा तो आपके लिए जलेबी भी रखेंगे। इधर ऐश्वर्या भी कुछ बोलेगी। ऐश्वर्या थोड़ा सा घर उसको बाबू। तो इधर देखिए पक्कल है, इसका नाम है ऐश्वर्या गुनगुन, और काफ़ी ज़्यादा प्यार आप लोग इसके डांस पे आप लोग करते हैं। तो अच्छा डांस करती है मेरी बिटिया रानी। कोशिश तो है कि और भी अच्छा इसे सिखाऊं। ये कैसे टीवी देख रही है। और खाना दोनों में से अभी तक कोई नहीं खाया। आपने अपना टिफिन ख़त्म किया? बैग लाइए तो चेक करते हैं। नहीं तो बैग कहाँ है? जूता का शूज कहाँ रखे? ऐश्वर्या और हाँ फ्रेंड, ये साड़ी मैंने ऑनलाइन से लिया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शायद ये देखने में मैंने इसे फर्स्ट बार पहना, बट फिर भी पुराना जैसा लग रहा है। कैमरा में तो अच्छा ही आता है, लेकिन ये जो प्रिंट वगैरह है जो, तो ये मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन से मंगाया था। और बैग पूरा लेके आ, तो अर्पित टिफिन ला के लेके आया, देखते हैं इसमें क्या क्या बचा है। भुजिया रोटी, जब इसे मैं रोल बना के देती थी मैगी पास्ता और बहुत सारे अलग अलग चीज़, तो ये बोलता था ऐसा थोड़ी ना कोई ले जाता है, सब तो ले जाता है भुजिया रोटी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे भुजिया रोटी। बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था मुझ पर। मैं सोचती थी कि मैं कुछ अलग अलग बनाऊँ जिससे इसे इंटरेस्ट हो खाने में। जैसे मैंने अंडा का भुजिया या फिर रोल ये सब बना के दे रही थी। आलू भर के रोटी, सत्तू भर के रोटी, अंडा भर के रोटी। तो ये बोल रहा था ना अर्पित कि ऐसा खाना कोई थोड़े ना ले जाता है, सारे तो भुजिया रोटी ले जाते हैं, और ये रोटी में क्या लगा देती है तू। क्या लगा देती है। इधर देखिए हंस रहा है। और अपना इसका एक बात है कि ये जो एक रोटी ले जाता है टिफिन में, आधा वहाँ पे खाता है आधा यहाँ पे आके खाता है। अब पूरा दिन गाय, पूरा दिन अब तो नहीं खाएंगे खाना। तो अर्पित अपना टिफिन ख़त्म कीजिए,
आधा इसका हर दिन का काम है, आधा घर पे खत्म करता, आधा स्कूल से खत्म करके आता है। आज मेरा बेटा तो एकदम चिपकू चिपकू लग रहा है। क्या हुआ था? इतना नहा के नहीं गए थे ना? अच्छा मिस क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे और कोई मारा भी था? बोल रहे थे क्या मारता भी है वो बच्चा? अर्पित का ये क्या है बैच है, स्कूल की तरफ से मिला है जो इसमें कार्ड है मम्मी कार्ड बोल रहा है कार्ड है मम्मी। क्या है बेटू, क्या किया जाता है इसके साथ? पहन के जाया जाता है पढ़ने। मेरा बेटा काफी स्मार्ट हो गया है। अच्छा फ्रेंड लोग से कुछ बोलना चाहेगा? बोलो हेलो। अब बैग में देखे क्या क्या लेके। अच्छा पेंसिल, आपका पेंसिल मिला? अब आप ये अभी मेरा नया पेंसिल ले गए? हाँ ले गए थे। आप बोतल का पानी भी अपना बचा के लाया, समझदार बेटा। हाँ और इस पे जो लिखा था वो मैडम देखे थे? इसका हर दिन पेंसिल रबड़ खो जाता है। जब से ही जा रहा है जब से हर दिन एक पेंसिल एक रबड़ एक कटर देती हूँ तो रोज खो जाता है। उसके साथ साथ कट पेंसिल भी और पेंसिल भी। और मैंने इसके स्लेट पे लिख दिया था कि मैम इसका जो पेंसिल है हर दिन खो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो शायद देखे थे कि नहीं, बट शायद देखे होंगे। उसके बाद भी आज कुछ नहीं है, देख लीजिए, न पेंसिल है न रबड़ है, खाली इसके बुक बुक भी है। तो पेंसिल से रबड़ क्या किया? हर दिन तो खो देता है, इतना बड़ा। और कुछ में कहता है कि तुम ऐसे देती है हमको, पापा जैसा दो ना, मैं बड़ा हो गया हूँ ना। ऐसे में बड़ा नहीं हुआ, कॉपी का तो हाल देखिए, ऐसे कौन करता है? आप उधर रही है, छुइए नहीं हमको, झूठा खाना है इधर रखिए। क्या कि मैंने सोचा था फ्रेंड कि इसे ना तीज के जो नेक्स्ट भी जिसको कहते हैं पारण, उस दिन पहनूंगी। और मैंने ये ब्लाउज खुद से बनाई है, तो अभी थोड़ा सा ट्राई करने के लिए पहनी, तो सोची कुछ ना कुछ वीडियो बना लूँ, तो इसीलिए मैं। और ये है कि अपना जूठा खाना इधर लेके आ रहा, कोई बात नहीं थोड़ा सा धो दूँगी। और फ्रेंड मुझे ना सिलाई का बिल्कुल सी भी नहीं आता था, बट मैंने यूट्यूब से ये सब चीज़ सीखे हैं। ये ब्लाउज मैं पहन रखी हूँ, ये मैंने यूट्यूब से सीखा। और जो जितने भी मैं अपने कपड़े पहनती हूँ सी हुई, जैसे मैं सूट पजामा और भी बहुत कुछ, वो मैंने यूट्यूब से सीख के और जल्द सीखा है और फिर सी है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आप लोग को भी अगर किसी को सीखना है तो बस मन लगा के आप देखिए और आप भी सीख जाएंगे। तो आप देखिएगा मैं ये ब्लाउज पहन रखी हूँ, मैंने खुद सिया। इतना सारा पेंसिल कहाँ से ले लिए? तो देखिए इतना पेंसिल लेके जाएगा फिर से खो देगा। अब कट पेंसिल क्या हुआ, आज ही तो मैं दी थी आपको। इधर महारानी जी को देखिए, आते के साथ पूरा बेड का हालत ये है। और ये महारानी जी, गुनगुन गुनगुन ओए गुनगुन, हेलो बोलो फ्रेंड लोग को। और दोस्तों जो ये अभी फिलहाल में बारिश के मौसम में जो आई फ्लू का वायरस चल रहा है, तो इससे आप बचाव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेरे बिटिया रानी की आँख में कुछ मतलब अभी छोटा छोटा हो रहा लगता है, इसके भी आँख आएंगे। और मेरे भी आए थे, उस समय मैं वीडियो बनाना बंद कर दी थी, तो अब ठीक हो गया, तो मैं बना रही थी। और मेरी बिटिया रानी को भी लगता है कि होने वाला है, इसकी आँख भी छोटे छोटे हैं। इससे बचाव के लिए है कि आप ना, आपके पास अगर सन ग्लासेस चश्मा है तो उसे लगा के रखिए। इसका यही जैसे मास्क था कोरोना के टाइम। रोटी लेंगे? रोटी तो शायद नहीं है, चावल होगा। चावल नाश्ता ख़त्म हो गया बेटा, चावल होगा। तो अर्पित रोटी खोज रहा है, तो शायद मुझे लगता है बनाना पड़ेगा। और कुछ नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, चावल हलवा होगा फ्रिज में, हलवा होगा, सेवाई बना दूँ। तो माय गॉड, मैंने दूध चढ़ाया था, देखिए क्या हाल होता है मेरे दूध का।
तो देखिए फ्रेंड, मेरे दूध का हाल गिर गया है और यहाँ पे मुझे लगता है क्रांति भी आ गई। मैंने सोचा था ये कल का दूध था, तो मैंने सोचा इसे अलग गर्म कर लेती हूँ। और ये लगता मेरा चूल्हा भी खराब हो गया होगा, क्योंकि इसमें काफी दूध चले गए। अर्पित कह रहा है सेवाई बनाने, तो हम जाते हैं सेवाई बनाते हैं उसके बाद। तो फाइनली मैंने अर्पित के लिए सेवाई बना दिए और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा छत पे देखती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेहूँ पसा रहा है और डर लग रहा है साथ में मौसम में तो कभी भी बारिश आ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मेरे घर के आसपास सभी जगह पे धान रोपा हो गया है। तो आपकी तरफ हो गया काफ़ी, फिर से वही ग्रीन ग्रीन मेरे ब्राउन बैक साइड का एरिया होने वाला है। तो आप लोग देखिए, अब यहाँ पे कुछ रोप भी रहे थे, अगर कोई नहीं देखे तो देख सकते हैं और देखेंगे कि वीडियो बना रही है तो ये भाग जाएंगे। वो कैमरा में आना इन लोग को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे गांव के कुछ लोगों को ये सब चीज़ बहुत, कुछ लोग क्या सबको, अगर कहीं पे शादी हो या फिर कुछ हो तो मैं भी कैमरा बस निकालते के साथ मेरा नहीं लेना, मेरा नहीं लेना, ऐसा मतलब कि पता नहीं गाँव के लोग ऐसे क्यों होते हैं। और ये मेरे घर के अगल बगल का एरिया है जो कि बिल्कुल, अभी तो इधर देखिए पानी पानी पूरा और यह जहाँ तहाँ जो फेंकी हुई है धान, धान नहीं मोरी मोरी। मेरा भी एक तो खेत है जो बच गया था, तो शायद आजकल में वो भी रोप आएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने गेहूँ पसारा है, तो ये देखिए लगता है सूखा है कि नहीं, सूख गया, ये भी हो ही गया। तो मैं चलती हूँ अब अपने काम में और हो गया मेरा वीडियो, तो ज़्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट ना करते हुए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड तब मुझे टाइम की ज़रूरत है, मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए टाइम चाहिए है। तो मैं इसलिए आप लोग का इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए कि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ। और मैं कोर्सेज, मैंने तो एक बार बंद कर दिया था वीडियो बनाना, बट फिर से मेरे मैं सोची कि मैंने किसी से मोटिवेट हुई, मैं जिनका मैं वीडियो देखती हूँ वो बोले कि मतलब इस तरह से बहुत सारे बात कुछ ऐसा बोले कि जो मेरे दिल को लग गया। और मैंने सोचा कि क्यों, जब सब को हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैं फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट की और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि तुम वीडियो बनाना बंद क्यों करती। तो फिर से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और बस यही सपोर्ट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाय। और हाँ फ्रेंड देखिए, उधर राजगीर है जहाँ पे मैं अभी तक मलमास मेला में दो बार जा चुकी हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, एक बार मेरे आँख में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने एक वीडियो भी नहीं शूट किया था। और अगले बार जब की थी तो वहाँ पे इतने ज़्यादा, फिर संडे को इस टाइम गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ था जिसकी वजह से मैं कैमरा निकालना, मोबाइल निकाल ही नहीं पाई। और बट जब मेला से बहुत ज़्यादा राजगीर से निकल बहुत आगे निकल गई थी, तब मैंने एक वीडियो डाला था जो कि मैं यूट्यूब पर डाली हूँ अपने चैनल पर आरती ऑफिशियल नालंदा पर, जो कि शायद इस टाइप का कोई गाना में से है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। और मेरे पास कुछ वीडियो मलमास मेला का है भी, तो मैंने नहीं डाला है। अगर आप लोग को उस वीडियो को देखिएगा जाके, अगर अच्छा लगे तो मैं फिर से और भी वीडियो डालूँगी।
और वहाँ पे ना बहुत तरह तरह के झूला थिएटर जो कि लड़कों लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे काजल नाम की कोई वायरल गर्ल है जो भी आई है, सम्राट ऐसे कुछ थिएटर का नाम है, शोभा सम्राट थिएटर जिसमें, तो आप लोग को अगर जाना है तो जाइएगा। और फिर बहुत सारे चीज़ आए हैं, वाटर फिश पॉइंट ऐसे कुछ नाम करके कुछ ये हैं, सर्कस हैं और भी बहुत कुछ हैं, तो आप लोग चाहें तो जा सकते हैं। चाहें क्या, जाना चाहिए कि ये मेला 6 सालों के बाद लगा। छत पे काफ़ी धूप है तो मैं यहाँ पे बैठ गई सीढ़ी पे, और बारिश का टाइम है तो सारा जगह भींगा भींगा पूरा। तो अभी अभी मुझे जाना है, तो और भी कुछ काम है जो बाकी, उसे मैं कर लूँगी। काफ़ी धूप था तो मैं यहाँ पे आके वीडियो शूट कर रही हूँ थोड़ा सा। और हाँ फ्रेंड, मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं तो जाके आप देखिएगा कि कैसा है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।